हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्ट्रोपीडिया में। आज की कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसके बारे में सुनकर आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी फिल्म की स्टोरी सुन रहे हों। एक इंसान अपनी गर्लफ्रेंड से फ़ोन करते करते ऐसा गायब होता है कि सालों बाद भी उसका कुछ अता पता नहीं चलता। यह घटना है 15 अप्रैल 2005 की। सोचिए, एक व्यक्ति अपने घर से ऑफिस के लिए निकलता है, अपना काम खत्म करता है, अपनी गर्लफ्रेंड से फ़ोन पर बात करता है और फिर अचानक से गायब हो जाता है। वो भी ऐसा गायब नहीं कि कुछ समय बाद उसका या उसकी मौत का कोई सुराग मिल जाए, बल्कि वो इस तरह गायब होता है कि आज 18 सालों बाद भी उसका कोई अता पता नहीं मिला। हम यहाँ बात कर रहे हैं अमेरिका के पेंसिल्वेनिया निवासी रे ग्रीसर की। रे का इस तरह से गायब होना सबको चौंका गया था। एक अधिवक्ता, एक बेटी का पिता और अच्छी खासी संपत्ति के मालिक रे के गायब होने के अगले दिन उसकी कार और सेलफोन उसके घर से 55 मील दूर एक नदी के किनारे से बरामद किए गए। कुछ महीनों बाद रे का लैपटॉप तथा हार्ड ड्राइव नदी किनारे मिला। हार्ड ड्राइव बुरी तरह से नष्ट कर दी गई थी। आमतौर पर खुद में ही व्यस्त रहने वाला रे अपनी मौत के दिन एक अनजान औरत के साथ देखा गया था जो उसकी गर्लफ्रेंड नहीं थी। जहां उसकी कार बरामद हुई वहीं सिगरेट की राख भी मिली, जबकि हैरान करने वाली बात यह थी कि रे सिगरेट नहीं पीता था। इन सब के अलावा एक सुराग रे के कंप्यूटर से भी मिला। दरअसल रे की ब्राउजिंग हिस्ट्री में पाया गया कि उसने कई बार सर्च किया था कि हार्ड ड्राइव को कैसे नष्ट किया जाता है। इन सब के बावजूद रे का कुछ पता नहीं चल सका। कुछ का मानना है कि रे ने खुद से ही खुद को गायब कर लिया जिससे वो नई जिंदगी शुरू कर सके। वहीं कुछ लोग मानते हैं कि रे ने आत्महत्या कर ली और कुछ लोग का ये भी मानना है कि उसकी किडनैपिंग की गई। काफ़ी छानबीन के बाद भी जब पुलिस कोई ठोस सबूत न जुटा सकी तो 2009 में रे को ऑफिशियली मृत घोषित कर दिया गया। आप जब रे के गायब होने की हर कड़ी को जोड़ेंगे तो आपको लगेगा जैसे आप कोई मिस्ट्री फिल्म की कहानी सुन रहे हों। आपका रे के गायब होने के पीछे क्या कारण लगता है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और ऐसी ही और कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।